हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट कटोरी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसको बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप मैदे के बदले गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। ध्यान रखिएगा, आप जो भी ऑयल ले वो न्यूट्रल फ्लेवर का होना चाहिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। यहाँ मैंने घर का जमा हुआ दही लिया है। मैं 5 बड़े चम्मच के करीब दही इसमें डाल रही हूँ। इसे भी हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ मैंने अच्छे से दही को मिक्स कर लिया, लेकिन डो अभी हमारा बना नहीं है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। हमें इसका स्टिकी सा डो बनाना है। जैसे नॉर्मल पिज्ज़ा का हम डो बनाते हैं वैसा नहीं, कटोरी पिज्ज़ा में हमें एक स्टिकी सा डो चाहिए। देखिए, इस तरह के डो हमें चाहिए इसके लिए, जिसे हम चम्मच से डालें तो ये आसानी से पोर हो जाए। तो अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। 1 कैप्सिकम ली है, 1 टमाटर, 1 प्याज लिया है जिसकी पेटल्स मैंने खोल ली थी, थोड़ा सा चीज़ लिया है, और यहाँ मैंने इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस बनाई है। टमाटो सॉस में मैंने थोड़े से क्रस्ट गार्लिक दिए हैं, 1 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स और 1 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, जिसे मिक्स करके हमारी इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस बनी है। अब हम कटोरियों को कर लेते हैं ग्रीस। तो यहाँ मैंने 3 कटोरियाँ ली हैं। इसे मैं ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। कटोरियों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने देसी ओवन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसके अंदर मैं एक स्टैंड लगा देती हूँ। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं। अब लिड लगाकर हम इसे 10 मिनट के करीब प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना पिज़्ज़ा सेट कर लेते हैं। तो मैं कटोरी में डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब पिज़्ज़ा बैटर। सभी को हम इसी तरह से डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। सच मानिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी और इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी। तो मैंने 3 कटोरियों में बैटर डाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो हमने इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी वो डाल देंगे इस पर। इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ सब कटोरियों में मैंने सॉस डाल दी है। अब डाल देते हैं थोड़ा सा चीज़। आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो आपको चीज़ मार्केट में अवेलेबल मिले आप वही चीज़ यूज़ करें। अब इसके ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स लगा देते हैं। आप यहाँ अपने मनपसंद कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न को बॉईल करके डाल सकते हैं, मशरूम डाला जा सकता है। तो वेरिएशन आपके ऊपर है, आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ मैंने सभी कटोरियों में वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। अब ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स यानी मोटी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा हम मिक्स्ड हर्ब्स डाल देते हैं। मिक्स्ड हर्ब डालना पूरा ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ और डाल देती हूँ। ये दिखने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, और जब चीज़ मेल्ट होगा तो और भी डिलीशियस लगेगा। और ऊपर से थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं, क्योंकि सॉस में भी नमक है और पिज़्ज़ा डो में भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा सा ही नमक हम डालेंगे। तो चलिए, अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये काम आप थोड़ा सावधानी से करिए। स्टैंड के ऊपर मैं रख रही हूँ 1 प्लेट।
अब इसके ऊपर हम अपनी सारी पिज़्ज़ा कटोरियों को रख देंगे। अब इस पर हम लगा देते हैं लिड। अब इसे हम 20 मिनट के करीब बेक होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर हमारा पिज़्ज़ा बना है। देखिए, देख के ही लग रहा है कितना डिलीशियस। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। कितना ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा कटोरी पिज़्ज़ा। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, और इतनी आसान कि आप रोज़ रोज़ घर पे बना के एंजॉय कर सकती हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखकर। और देखिए इसकी जाली, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो आप भी इसे ट्राई करें, और रेसिपी कैसी बनी है ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और इसे बनाकर आप इंजॉय करें।